Over there. एक घूंट भी नहीं दूंगा, पहले पिछला हिसाब चुका फिर बात कर रहा हूँ। मैं देदा पूरा हिसाब चुका दूंगा, एक एक भाई दे दूंगा, सिर्फ दो घूंट दे दे ताकि मैं चलने फिरने के काबिल तो हो जाऊं। अबे मैं तुझे अच्छी तरह समझता हूँ बदरू, अभी दो घूंट कहते कहते पूरी बोतल पी जाएगा और फिर हम तुम्हें ठेकेदार की बजाय उल्लू के पट्टे दिखाई देंगे। क्या चाहे बदरू, मान ला आज मैं तेरी हार पर रहम नहीं खाऊंगा। इतनी जल्दी माल कहां से लाऊं ठेकेदार, घर की हर चीज बिक चुकी है। अभी एक चीज बाकी है बदरू। बाकी है? वो क्या? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया? हाँ, तुम्हारे मरहूम दोस्त अहमद की अंधी बेटी शाम, जिसे तुमने अपनी बेटी बनाकर माना है। क्या पक रहे हो ठेकेदार? पक्का नहीं, तुम्हें वो रास्ता दिखा रहा हूँ पर चलकर तुम आयश की जिंदगी गुजार सकते हो और जिस पर चलने के बाद दौलत तुम्हारे कदमों में हो और शराब ना मिलने की वजह से तुम्हें कभी तड़पना भी नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो फिर इसी तरह छिसक छिसक कर मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और आज शराब की एक बूंद भी उधार नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ये जुल्म न करना ठेकेदार, जुल्म तो तुम खुद अपने ऊपर कर रहे हो बदरू। अभी वक्त है, मेरा कहा मान लो ठेकेदार। मैं बता देता कि क्या वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता बदरू, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी जेबें उन नोटों से भर जाएंगी जिनसे तुम चाहो तो ड्रम के ड्रम शराब करेंगे। मगर ये तो बहुत बड़ी बात है ठेकेदार, दौर में अच्छी बात सोचना अपने ऊपर जुल्म करना है बदरू। यहाँ तो बेटा बाप को और बाप बेटे को अपने ऊपर बहुत बड़ा बोझ समझता है और तुम बेवकूफ पराये रोग को अपना मुकद्दर बनाकर खुद अपने आप को रोग लगाए बैठे। पगले, ये जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार नसीब होती है। अगर ठेकेदार, वो क्या सोचेगी? ज्यादा से ज्यादा यही सोचेगी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं और वो किसी की बेटी नहीं। बंगला नंबर 203 गुलफिशा कॉलोनी में रहने वाला शेष हमदर्द तुम्हारी तकदीर बदल देगा। सेठ अमजद वारे हुस्न खरीदता है मिस्टर बदरू, खा वो किसी मोल भी मिले, मगर इस सौदे की एक शर्त होती है। जी, वो क्या सेठ साहब? हमारी जिंदगी का ये बहरू तुम अंधे बनकर यहीं छोड़ जाओ, कभी तुम्हारी जबान पर सेठ अमजद का नाम एक इज्जत खरीदने वाले व्यापारी की सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि इस माशरे में हमारा एक मकाम है, एक भरम है। बदरू इस भरम को कायम रखेगा सेठ साहब, इसलिए कि इस भरम के साथ बदरू की अपनी इज्जत। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये लो आदमी समझदार हो, 10,000 रुपया उस कुंवारे जिस्म का एडवांस जिसका नाम तुमने शानो बताया था। शानो बेटी, शानो बेटी, चल जल्दी से तैयार हो जा बेटी। मैंने डॉक्टर साहब से तेरी आंखों के इलाज की बात की है, उनका कहना है कि तेरी आंखों की रोशनी चंद ही दिन में वापस आ जाएगी। मैं तैयारी तैयार हूँ दया, बस चादर ओढ़नी है सर पे। बेटी यहाँ तो कोई चादर नहीं है। चादर नहीं है तो नंगे सर घर से बाहर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता दया। हाँ याद आया, उधर मेरे बाबा की चादर टंगी होगी, वो उड़ा दीजिए सर पे। क्या गिरत आया आपकी? कुछ नहीं बेटी, जरूरत है। जरूरत? मैं समझी नहीं। डॉक्टर के यहां से वापसी में सब कुछ समझ जाओगी। आ चलो। मैं डॉक्टर साहब को इत्तला करता हूँ। जी अच्छा।
लगता है बड़ी मुखलसी में जिंदगी बसर हो रही है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरे हम तो मरीज हुस्न है भोली लड़की, हमारी डॉक्टर तो तुम हो, हमारा इलाज तुम्हारी जवानी है। डॉक्टर साहब होश की बातें कीजिए। बेहोश तो तुम हो जो अपने खरीदार को डॉक्टर समझ रही हो। कान खोल कर सुन लो, हमने तुम्हें आज की रात के लिए बदरू से 10,000 रुपए में खरीदा। मुझे डॉक्टर के पास लाए, वो मुझे नहीं दे सकता। तुम इस कमरे में ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ से तुम भाग सको। ये कमरा साउंड प्रूफ है, यहाँ से आवाज बाहर नहीं जाती। और ये कमरा हमने खास तौर पर अपने लिए बनवाया है, अपने लिए बनवाया है। खुदा के लिए मेरे बाप की जान मेरे साथ न उतारो, तुम्हारी कोई बेटी होगी? मेरी कोई बेटी नहीं, और न ही मैं बदरू की तरह इतना मुफलिस हूँ कि अपनी आपाश के लिए अपनी बेटी को डॉक्टर ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था शानू बेटी, वरना ये जुल्म मैं तुम पर कभी ना होने देता, मैं उस जलील की जान ले लेता। हम गरीब लोग इस दुनिया में अमीरों के लिए खिलौना बन गए, खिलौना बन गए। चार साल बीत गए, हर साल हमारे कानों से यही आवाज टकराती है कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। मैं पूछती हूँ डॉक्टर, आखिर ऐसा क्यों? ये तो खुदा ही बेहतर जानता है बेगम साहिबा कि वो आपको किस कसूर की सजा दे रहा है। कसूर? जहाँ तक हमें याद पड़ता है, हमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया,
कभी किसी की हक तलफी नहीं की। अमजद बेटा, हमने तो अपनी जिंदगी को आईना बनाकर देख लिया है, तुम भी देखो बेटा, कहीं तुमसे तो कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई जो खुदा का कहर बनकर इस घर पर टूट पड़ी है। बोलो बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी पर कोई ऐसा दाग है तो हम खुदा के हुजूर में नदामत की आंसू बहाकर माफी मांग लें। शायद खुदा हमारे आंसू देखकर इस घर पर आई आफत को टाल दे। बोलो बेटा, बोलो। अम्मी जान, किसी किस्म के वहम में पड़ने और परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बेटे? अम्मी जान, मैंने फैसला किया है कि हम बहुत जल्द किसी बाहर के मुल्क चले जाएंगे। बेगम के ठीक होते ही हम इलाज के लिए रवाना हो जाएंगे। इलाज? ठीक है बेटा, ठीक है। शायद खुदा हम पर इसी बहाने कर्म करते हैं। आधा अम्मी जान, कैसी हो? जी तो आया। बहुत दिन लगा दिए तुम दोनों ने लंदन में, माँ का ख्याल ही नहीं आया। नहीं अम्मी जानी, ये बात नहीं, मेरा तो बहुत दम घुटता था। ये आपके बेटे हैं ना, ये वहाँ से आने का नाम ही लेते थे, पता नहीं उन्होंने वहाँ क्या देख लिया। इसको तो माँ की याद कभी नहीं आई। बेटी तुम थक गई होगी, जाके लिबास तब्दील करो, फिर आराम से बातें करेंगे। जी बेटा, तुम मेरे साथ आओ। अच्छा बेटे, डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया अम्मी जान, मैं साबरा को 3 महीने अस्पताल में रखने के बाद छुट्टी दे दी। अब आप दुआ कीजिए अल्लाह मियां आपको पोता या पोती दे दे। पोता या पोती, खुदा जाने ये बिजली किस पे गिरी है। या अल्लाह, ये वक्त आराम से गुजार, तोड़ने वालों को पता चल गया तो मुसीबत आ जाए। साहब, ये आपकी बेटी है, यकीन कीजिए आप शानों की जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। मैंने उसे अपनी जरूरत के तहत आपके पास पहली और आखिरी मर्तबा भेजा था शेर साहब। अगर ऐसा था तो तुमने इस गुनाह की पोटली को शानों के पेट में पलने से पहले ही क्यों ना खत्म कर दिया? कैसे करता शेर साहब, मैं कोई पेशावर थोड़ी हूं। शानो ने तो उसी दिन से अपने होठ सी लिए थे जिस दिन आपने उसे औरत का रूप किया था। शानो मर गई सेठ साहब, मैं उसकी लाश दरिया में फेंक आया हूं। अब इस नन्ही सी जान का सारी दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है। कोई हो या ना हो, हम इसकी सूरत तक देखना नहीं चाहते। बच्चों, इसे यहां से फौरन ले जाओ और इसके बदले जितनी रकम चाहो मुझसे ले। सेठ साहब, बेटी देकर मुझ पर एतमाद मत कीजिए। अगर हालात से हार कर मैंने कभी दोस्त की बेटी की तरह आपकी इस बच्ची का भी सौदा कर लिया तो मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता सेठ साहब, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। तो नहीं, नहीं।
रात के इस नन्ही सी जान को यहाँ फेंक गया? एक पागल था अम्मी जान, कहता था मैं इस बच्ची का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम इसे संभाल लो। मैंने इनकार किया तो मेरे कदमों में इसे फेंक कर चला गया। आप इसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दीजिए। नहीं बेटा, इतनी बेदर्दी ना दिखाओ। अगर उस भले आदमी ने इस बड़े घर को ये नन्ही सी जान सौंपी है तो हमें अपने वसी दामन में इसे जगह जरूर देनी चाहिए। शायद इस बच्ची के सदके ही खुदा मेरी बहू की गोदारी करते हैं। आप नहीं समझती अम्मी जान, जाने किसके गुनाहों की तस्वीर है। जिसके भी है, कम से कम तुम्हारी नहीं, जो तुम इस पर अपना हक जताकर इसकी जान लो। अम्मी जान, अमजद, खुदा की कसम अगर ये तुम्हारा गुनाह भी होता तो तब भी हम तुम्हें घर से निकालकर इसे अपने कलेजे से लगा लेते, इसलिए गुनाहगार ये नहीं तुम होते। आप क्या कह रही हैं अम्मी जान? अपने कमरे में जाओ अमजद, ये जिस किसी का भी गुनाह है हमारी मासूमा है, हम इसके सब कुछ है, ये हमारी बेटी है। अगर आइंदा तुमने इस पर गलत नजर डाली तो हम सब बुरा कोई ना होगा। जाओ। अले अले। बेगम साहबा, हावरा बेगम की अचानक तबीयत खराब हो गई, जल्दी चलिए। तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए एक मुन्ना सा भाई या बहन दे। दुआ करो बेटी। अल्लाह मियां, तो तता भाई दे दे, तोते ते बहन दे दे, दादी अम्मा कैसी है? मुबारक हो बेगम साहिबा, अल्लाह ताला ने आपको पोती अता की है। गरीबों में खैरात बांटो, सबका उतारो कि आज हमारे यहाँ पोती हुई है। बेटा, मैं ना कहती थी कि इस नन्हे की जान के सदके हमारी बहू की गोद जरूर हरी होगी। तुम खामोश क्यों हो हमसे, तुम खामोश क्यों हो? इतना जश्न मनाओ, इतना जश्न मनाओ, सारी दुनिया को पता चल जाए कि नवाब जाह के घर पोती हुई है, हमारे घर पोती हुई है। हाय बच्ची की अम्मा जीए, हाय बच्ची की दादी जीए, सदियों बाद आज इस घर की मुराद बर आई है। अरे ओ नजीरा। अरे क्या है नूर खाला? अरे लगा रही जरा आढ़ा चौताला और वो गीत सुना दे फाजली बेगम वाला। अरे चल भी शुरू कर। दादी अम्मा को मुबारक पोती, दादी अम्मा को मुबारक पोती।
हाय ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में हो, हाय हाय ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में हो, अदे अम्मा को मुबारक हो पौधे, अदे अम्मा को मुबारक हो पौधे, हाय ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में हो, हाय 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 ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में हो, दादी अम्मा को मुबारक हो पौधे, दादी अम्मा को मुबारक हो पौधे। चल गोड़ी देना मुबारक दादी, चल गोड़ी देना मुबारक दादी, मुबारक दादी, चल गोड़ी देना मुबारक दादी, जो भी याद मांगे की दे देगी दादी, हाँ जो भी याद मांगे की दे लेके आज जाऊंगी मल मल की धोते, लेके आज जाऊंगी मल मल की धोते, ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में होते, ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में होते, दादी अम्मा को मुबारक हो पौधे, दादी अम्मा को मुबारक हो पौधे। फले और कोई कम न आए, तो फले और कोई कम न आए, हाथों में सितारे हो कदमों में मोते, हाथों में सितारे हो कदमों में मोते, ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में होती, ऐसी प्यारी बच्ची है सदियों में होती, दादी अम्मा को मुबारक हो, हाय हाय दादी अम्मा को मुबारक हो पौधे। आए मैं वारी दुल्हन बेगम के, आए दादी जी आए सबसे जाऊं एक से जोड़ी बने, हाय अबू कहा लाओ आज तो जी भर के बधाई लूंगी, हाय अरे बच्ची के अब्बा कहाँ है उनको तो बुलाओ, हाय मैं वारी। बद्रु तुम? जी सेठ साहब। रास्ता छोड़ दो। ऐसे ही छोड़ दूं? कुछ लगाइए ना, जेब बिल्कुल खाली है, नशा टूट रहा है। बकवास बंद करो। अगर खर्चे के लिए पैसे नहीं देंगे जरूर करूंगा बकवास। आप इज्जतें खरीदते हैं, आपकी एक हराम की बेटी है जो आपकी अम्मी जान के पास पल रही है। बद्रु तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अभी जाके बड़ी बेगम साहिबा को बता देता हूँ आप क्या करते हैं और वो बच्ची कौन है। अमजद, खुदा की कसम अगर ये तुम्हारा गुनाह भी होता तो तब भी हम तुम्हें घर से निकालकर इसे अपने कलेजे से लगा लेते, इसलिए गुनाहगार ये नहीं तुम होते।
क्या सोचने लगे सेठ साहब? जाऊं? नहीं, अपनी जबान बंद रखो। अब पहले ही चुपके से दे देते तो तुम्हारी हिस्ट्री शीट तो न खोलनी पड़ती। तुम तीनों अपने अपनी टाइम टेबल की काफिया निकालो। नंबर एक जी लिखो, आज झूले में तुम चमेली के फूलों का बिस्तर बिछाओगे। आज नाजी बेटी का लिबास 4 मरतबा तब्दील होगा और बिब 10 मरतबा, ताकि उसे किसी किस्म की बू का एहसास ना हो सके। अच्छा बेगम साहबा, लिबास और फूल तरतीब देकर हमें दिखाओ। जाओ। बहुत अच्छा। नंबर दो जी बढ़िया लिखो, आज नाजी बेटी की 3 तेलों से मालिश होगी। नंबर एक जैतून का तेल, नंबर दो बादाम का तेल, नंबर 3 खोपरे का तेल। जाओ तेलों की शीशियों को तरतीब दो, हम मुआयना करने आते हैं। बहुत अच्छा बेगम साहबा, 10 मिनट निकालो। नंबर 3 जी बेगम साहबा लिखो, आज हमारी पोती के नहाने के लिए 2 बर्तन होंगे, एक में गुलाब का अर्क और दूसरे में सादा पानी। और जैसे ही नाजी बेटी नहा ले, तुम 10 शीशियों में दूध भर के टेबल पे रख दोगे। अगर वो एक शीशी से दूध ना पिए तो दूसरी, और अगर दूसरी से मुंह मोड़ ले तो तीसरी, और अगर तीसरी ले तो समझ गए बेगम साहबा, जब तक बेबी दूध पीती रहेगी शीशियों भी शीशियों बदलते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। बहुत अच्छा बेगम साहबा। मना किया है। अच्छा तो फिलहाल हमें तातले ता लॉलीपॉप मंगा देते, आप तो जानती हमें लॉलीपॉप और तातले कितनी अच्छी लगती है। दादी तुम भी खाओ दी। नहीं नाजी, मैंने अभी कॉलेज जाकर खाना खाया। हाय बादी, हम तो दूध पीते पीते थक गए हैं, तुम ही तभी हमें थत्ती अम्बी वाला थाला खिला दो। अच्छा मेरी बादी। हेलो एवरीबॉडी, हेलो आंटी, हाउ आर यू? फाइन, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, और आप कैसी हैं ग्रैंड मदर? यहाँ आओ तो इंसानों की तरह बात किया करो लड़के। ओह आई एम सॉरी ग्रैंड मदर, मैं तो भूल ही गया कि आपको इंग्लिश नहीं आती। भला क्या जाने कि जो जुबान मैं बोलता हूँ वो इंसानों की है या जो आप बोलते हैं वो। खैर छोड़िए इस बात को, आप कैसी हैं मासूमा? अली अथलाम भाई, आप तो नहीं बैठते, क्या आपने खैरियत पूछने तो थे तो ले लखा है। खैरियत पूछना अच्छी बात है मेरी भोली नाजी, और ज्यादा बोलना बुरी बात होती है भाई जान। ओफो, अच्छा बाबा आई एम सॉरी। आंटी मैं आपके लिए मम्मी का मैसेज लेकर आया था, वो कल आपकी तरफ आया। अली इतनी थी बात पे इतनी थाली बातें की, भाई जान अथला बुरी बात होती है। नाजी बड़ों को ऐसे नहीं कहा करते, समझी? समझ गई। अच्छा आंटी मैं चलूं, वरना आपकी लाडली की नसीहतें सुनते सुनते मुझे शाम हो जाएगी और फिर मुझे अभी क्लब भी जाना है। ओके गुड बाय। गुड बाय मासूमा। बातू नहीं चाहते जाने मासूमा बादी तो धू धूते ता देख ले थे। हाँ सागर, अपने भांजे से कहना
यहाँ शरीफों की तरह आया करे, हमें उसका ये मस्खरा अपन बिल्कुल पसंद नहीं। जी बेटे, समझा दूंगी। जीते रहिए, आदाब अमीना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ दादी माँ, मुझे स्टडी करनी है। अच्छा बेटी। डैडी मुझे नफरत से क्यों देखते हैं? क्या मैं उनकी बेटी? अगर मैं उनकी बेटी नहीं तो फिर किसकी बेटी हूँ? मेरे माँ बाप कौन है? दादी जान मेरी क्या लगती है? उनके दामन में मेरे लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दियाँ क्यों है? मेरा उनसे क्या रिश्ता है? वो जो दुनिया जानती है, दादी और पोती का रिश्ता। कितनी बार समझाया है, मत सोचा कर ऐसी उल्टी सीधी बातें। अगर अमजद तुझे नफरत से देखता है तो हम तुझे प्यार से सीने से लगाते हैं। मासूमा बेटी, क्या हमारी शफकत में इतनी मिठास भी नहीं जो तुम उसकी नफरत भूल सको? दादी जान, अभी वो वक्त नहीं आया बेटी तो तुम अपने मुतालिक ऐसी बातें सोचो। तुम कौन हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? मासूमा बेटी, जब हम मर जाएं और हमारा साया तुम्हारे सर से उठ जाए तो फिर तुम ऐसी बातें सोचना। लेकिन बेटी, हमें यकीन है हम अपनी जिंदगी में ही तुम्हें वो घर दे जाएंगे जो बेटियों का असल मकाम होता है, जिसमें रहने वाली लावारिस नहीं कहलाती, जहां वो अपने बारे में कम, शौहर और बच्चों के बारे में ज्यादा सोचती है। न जाने क्या बात है मासूमा, तुम हमें पराई नहीं अपना खून लगती हो। तुम जब भी हमारे सीने से लगती हो हमें एक सुकून सा महसूस होता है, हमारे दिल को एक ठंडक से मिल जाती है। बेटी चलो, तुम तो आत्मतोली आती है, ये खेल किसे नहीं आता बेबी। अच्छा तो फिर तुम सब अपनी हाथों में पत्तियां बांधो, हम भादे ने तुम हम तो पतन्ना। थुनानी जल्दी चलो, थुनानी तुमने बांधो पत्तियां, जल्दी चलो। आदा आदा तोली दले दिला दिला दिला। बेबी अब तुम बच्ची नहीं जवान हो गई हो, और जवान लड़कियां जवान लड़कों से इस तरह के इशारे पर नहीं किया करती। तो फिर और क्या करती है? बेबी जल्दी चलिए, बड़ी बेगम साहिबा नाराज हो रही हैं, आपके दूध पीने का वक्त हो गया है। चलो बेबी, अब तुम बच्ची नहीं जवान हो गई हो, और जवान लड़कियां जवान लड़कों से इस तरह की इशारेबाजी नहीं किया करती। बेबी अल्लाह के वास्ते अब दूध पीना छोड़ दो, रोटी खानी शुरू कर दो। अरे कमबख्तो, तुम लोगों ने फिर से फीडर में दूध दे दिया। हम क्या करें बेगम साहिबा, बेबी जिद कर रही थी कि फीडर ही से दूध पीऊंगी। फीडर छोड़ दो नासी, हम कहते हैं फीडर छोड़ दो। चुप हो जाओ नाजी, बेहुदा बातों पे हमें रोना अच्छा नहीं लगता। हम तो अतले जाती अम्मा, हम तो दिलास में दूध पीते अच्छा नहीं लगता। कोशिश करोगी तो अच्छा लगने लगेगा।
हम तो तोती ताला थे दादी अम्मा, लेकिन अपनी मियाँ बिल्ली तो देते, ऐसा हम तो लगा देते हम भी मियाँ बिल्ली हैं। ओ नाजी, अफसोस हमने तुम्हें फजूल इतना लाड़ दिया। 15 साल की हो गई लेकिन हमने तुम्हें अभी तक बच्चा बनाए रखा। देखो बेटी, अब तुम बच्ची नहीं जवान हो गई हो। कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। या मेरे भी बच्चे होते तो बड़ा मजा आएगा। मैं और मेरा मुन्ना थार थार सीदल के थार दूध पिया था लेते। देखो नाजी, अगर तुमने ये बचपने की आदतें नहीं छोड़ी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, और अगर शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे। बैठे नहीं होंगे, बच्चे थादी थे पहले होंगे और थादी बाद में होगी। दादी अम्मा, जब मैं और मेरे बच्चे पीता थे दूध पीना छोड़ दे देना, तब मैंने थादी कर दिए ना। ओह या मेरे मौला, आया जी मैडम साहब, तुम सबकी छुट्टी। अगर तुम लोग इस घर में रहे तो हम इसे लाड प्यार यूं ही देते रहेंगे और इसकी बचपन की यादें कभी नहीं जाएंगे। उस बेटे के बस में होता तो कभी का ये घर अदालत या चिड़ियाघर बन चुका होता। खुदा खुदा करके विकालत के पेशे को छुड़वाया तो साहबजादे अब शिकारी बनने के ख्वाब देख रहे हैं। एक मेरा बेटा है जिसे घूमने फिरने के किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं। देखो ना सर, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो उसे इस तरह जाया करने के बजाय आग लगा दो। सिर्फ एक माचिस की तीली की जरूरत है। आखिर तुम वाजिद की खुशियों के सामने दीवार क्यों बनती हो बेगम? इसलिए कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। अगर मैंने उसे ऐसी फजूल बातों से ना रोका तो लोग यही कहेंगे कि मैं उससे दुश्मनी ले रही हूँ। देखो नुसरत, पहले लोग इस घर से एक वकील के निकलने का मजाक उड़ाया करते थे, अब शिकारी को निकलते देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो जो कुछ भी कहेंगे उससे आपके दर से कोई अर्थ नहीं आएगा। मीजान, सोच कर तो यही आदमी ने किया था कि आपसे दूर रहूंगा तो कम अज कम आपकी कड़वी और तेजा बातों से अब्बा जान का दिल तो ना दुखेगा। लेकिन हालात एक बार फिर मुझे आपके सामने ले आए। आपने बेकारी के ताने दिए तो मैंने वकालत शुरू की। आप मुझे इस रूप में भी ना देख सके। मैंने अब्बा जान के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया तो आपने नाहिल की देवी लगाकर मुझे इस घर में कैद कर दिया। और अब जब मैं तन्हाई की कैद से बाहर निकलना चाहता हूँ तो आप एक बार फिर मेरे सामने आ गई। मैं पूछता हूँ आखिर मैं कहाँ जाऊँ? अम्मी जान, मेरे सीने में भी एक इंसान का दिल है। मैं अपनी ख्वाहिशात का गला कब तक घोटूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? नुसरत, तुम्हारा बेटा मेरे मुंह पर मुझे अपना दुश्मन कह गया। भाई गॉड, अगर मेरा बेटा इस तरह जबान चलाता तो मैं सिर्फ जबान बिगड़ लेती। मैं उसे समझाऊंगा बेगम। ये तो उसके लिए नहीं, अपने लिए अच्छा करोगे। मम्मी, क्या बात है बेटे? 200 रुपए चाहिए मम्मी। क्या करेगा मेरा चांद? डॉक्टर लूंगा। देखा ना सर, ये होते हैं शरीफ बच्चों के लक्षण। कॉपियों के लिए पैसे दे रही हूँ, शिकारी के रूप में जंगली बनने के लिए नहीं। दो मेरा बेटा, जा। थैंक यू मम्मी। लेकिन बेगम ये, आप चुप रहे, मुझे सख्त जरूरत है। अच्छा ये पिए। अच्छा बेबी, अब तुम बच्ची नहीं जवान हो गई हो, और जवान लड़कियां जवान लड़कों से इस तरह की इशारेबाजी नहीं किया करती। अब तुम बच्ची नहीं जवान हो गई हो, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। कैसे संभालू
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। मुश्किल हो गया अब तो गुजारा, बच्चे हो गए पूरे बारह। मैं हूँ नाद को बोझ है भारी, क्या मैं करूँ ममता की मारी। किसको रखूँ और किसको निकालूँ, बाप रे बाप इतने सारे बच्चे। सुनती थी बचपन में गाना, बच्चे कम खुशहाल कराना। सुनती थी बचपन में गाना, बच्चे कम खुशहाल घराना। मैंने किसी की एक न मानी, की नादानी पे नादानी। खुद तो माही से कैसे बचा लूं, बाप रे बाप इतने सारे बच्चे। हाय इमरान, मुझे इस पलटन से बचा लो खुदा के लिए। कैसे करूं मैं तुमसे मोहब्बत, बच्चों से नहीं मिलती फुर्सत। और मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं तुमसे मोहब्बत, बच्चों से नहीं मिलती फुर्सत। जब हम तुम सोने लगते हैं, ये मिलके रोने लगते हैं। इस नागहानी को कैसे मिटा लूं, बाप रे बाप इतने सारे बच्चे। कैसे संभालूं, हाय हाय कैसे मैं पालूं, इतना बड़ा बोझ कैसे उठा लूं, बाप रे बाप इतने सारे बच्चे। बच बहुत होते और नहीं होते, मेरे फीडर को थाला दूध तो ये पी जाते हैं। होश में आओ नासी, ये कोई ख्वाब देखने का वक्त है? ये क्या बेहूदगी है दी दादी अम्मो, जाने ता चले जाए। अरे भाई कौन चले गए? बच्चे दादी अम्मो, अलवा भी तला दिया। कौन चला गया? होश में आओ नासी। मैं तो होश में हूँ दादी अम्मा, वो अपने आप ही कुछ उलट पुलट हो दिया। मुझे तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ घास खा रही हो, ये क्या है? कुछ नहीं दादी अम्मा, टॉफियां। असलम, आज भी तुमने मेरा रास्ता रोका। जाने तुम चीज ही ऐसी हो कि तुम्हारा रास्ता रोकने को जी चाहता है। मैंने तुम्हारा बड़ा लिहाज किया है, अगर अब भी तुम बाज ना आए तो मैं दादी माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी। दादी अम्मा तुम्हें क्या समझती, जब से तुमने कॉलेज में दाखिला लिया है पैदल ही आती जाती हो। अगर वो तुम्हें कुछ समझती होती तो तुम्हें कार लेके ना दे देती। बकवास मत करो, अगर तुमने मेरी दादी माँ की शान में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वारी मेरी शेरनी। मासूमा असलम की बीवी तो तुम ही बनोगी। असलम बकवास नहीं कर रहा मेरी जान, सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं आता तो आज जब तुम अपने घर वापिस जाओगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने अपनी मम्मी को तुम्हारी दादी अम्मा के पास अपने और तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया है। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। असलम अपने ख्वाब पूरे करने का आदी है मासूमा। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो मुझे दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, समझी? तुम हर रास्ते के सामने मुझे और मेरे इरादों को चिटान की तरह मजबूत पाओगे। रही दादी माँ की बात तो मैं भी उनसे जाकर कह देती हूँ कि तुम जैसे आदमी की बीवी बनाने से बेहतर है कि वो अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। मैं उसके मजबूर करने पर तुम्हारी सास से बात करने चली तो आई हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं ये हमारा फैसला गलत ना हो जाए। कौन जाने वो लड़की कौन है, उसका माँ बाप है भी या नहीं, या तुम्हारी सास ने किसी का गुनाह। खामोश हो जाइए बाजी, आगे एक लफ्ज़ ना कहिएगा। वो मेरी सास की ऐसी बेटी है जिसे उन्होंने मासूमा का नाम दिया है, उसके मुताबिक कोई बात करनी तो ये सोच कर। वो इस घर की इज्जत, इस घर की बेटी है, वरना यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अरे अरे पागल तो नहीं हो गई हो साबरा? एक कैसी गुनाह की पोटली को इस घर की बेटी और इज्जत कह रही हो,
जिसे यहाँ तो सिर्फ इसलिए देखा। शकीरा, हम दिल पर पत्थर रखे बहुत देर से तुम्हारी जहरीली बातें सुन रहे हैं। तुम्हें ये हक किसने दिया शकीरा कि तुम हमारी छत तले खड़े होकर हमारी बेटी को गुनाह की पोटली कहो? अगर नहीं जानती तो सुनो, मासूमा हमारे दिल का टुकड़ा है, हमारी आंखों का नूर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमजद और नाजी। खुदा का शुक्र है कि हमने कोई गलत फैसला करने से पहले तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली। अगर हम तुम्हारे साथ उस नाजुक रिश्ते का इकरार कर लेते तो इस जहां में हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो जाता। जाओ ये सोचकर हमारे घर से चली जाओ कि शाह हमारे होते हुए हमारी बेटी को गुनाह की पोटली कहना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ कोई गलत निगाह भी नहीं उठा सकता। बेगम साहिबा, चली जाओ यहाँ से शकीला। हम तुम जैसे छोटे लोगों से अपनी बेटी का मुकद्दर नहीं फोड़ सकते। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से शकीला। उस बुढ़िया ने 2% की लड़की के खातिर आपकी बेइज्जती की है मम्मी। मैं उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। एक बात बताऊं बाती? पूछो। जब तो ही जवान लड़ता, जवान लड़ती तो इथाले तले तौतले दे, तो इतना ता मतलब होता है? लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने थाब में एक ललते तो इथाली तलते देखा है। अच्छा, किसे कर रहा था वो इशारे? मुझे आलती थे, आलती थी तो तलते तो देते, मैं उठती थाली टॉफियां ना वहां पे तल दूं। उसने तुम्हें टॉफियां भी दी थी? हाँ, उसने टॉफियां भी दी थी और उसने मेरी तस्वीर भी दी दी थी। कहाँ है तस्वीरें? दिल्ली। तुम तो कह रही थी तुमने ख्वाब देखा है। हाँ, उल्टा उल्टा, मैंने ये थपको थाम में तो देखा था। झूठ मत बोलो नाजी, किसी से टॉफियां लेना और इशारेबाजी करना बहुत बुरी बात है। अगर दादी अम्मा को पता चल गया ना तो जान से मार देंगी। अगर आइंदा तुमने उसको देखा भी ना तो मैं दादी अम्मा को सब कुछ बता दूंगी। चलो तो। मोती, मेरी थाई तदवीन पाल ले। भैया, वो तो तस्वीर है बस, एक पेंटिंग, इतनी मुख्तलिफ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप उसको देखेंगे तो पता है क्या कहेंगे? आमी, ये तो गुड़िया है। अच्छा? हाँ भैया, मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा। देखो ने, मैं उससे मिलूंगा जरूर, लेकिन उस वक्त जब वो तेरी दुल्हन के रूप में इस घर में आएगी, समझा ना? अच्छा, आप छुट्टी कर जाओ वरना मम्मी डैडी को सब कुछ बता दूंगा। चल। हाँ, हो गई भाई, ये घर है तो जैसे होटल है, साहब जाते घर पर दिखते ही नहीं। आ तो जाए, अगर उसकी पिचाई ना की तो देखना। क्या हुआ दादी अम्मा, तो दुखी होली है। चुप रहो जी, तुम भी तो उसी नालायक की बेटी हो। अब भला मैं कोई मर्द हूँ जो इस घर की हर तकरीब और महफिल का इंतजाम करती फिरूं? अम्मी जान, खैरियत तो है, क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, आ गई चहेते मियाँ की चहेती बीवी। देखो बहू, मैंने तुम्हारी बेटी की हर चीज का ठेका नहीं लिया हुआ, आखिर ये तुम्हारी भी कुछ लगती है। आखिर क्या बात है मीजा? तुम चुप रहो अमजद, कुछ कहूंगी तो आग लगेगी। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं, कल तुम्हारी बेटी की सालगिरह है। उड़ गए ना तोते। अरे मैं याद ना रखूं तो इस घर में 5 साल में 1 सालगिरह हो। मर गई तो याद करोगे बच्चों? अल्लाह आपका खैर सलामत रखे अम्मी जान। आप फिक्र न कीजिए अम्मी जान, सब इंतजाम हो जाएगा। बस बस, रहने दे, सारा इंतजाम मैंने खुद ही कर लिया है। ओए, वो कमबख्त तू काट लिए यहाँ खड़ा है, ये दे डालो जिसे जिसे देने हैं। मासूमा बेटी, तू उधर क्यों खड़ी है? इधर आ, जल्दी से मेहमानों की फेरिस्त तैयार कर डाल। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, इजाजत दीजिए। जाने ये मुई मीटिंगें कब खत्म होंगी? साबरा बेटी, ये लो दावत नामे, तुमने जिसको भेजना हो भेज दो। शुक्रिया। दादी अम्मा, मैं भी ताज ले लूं? एक कार्ड? हाँ, मैंने भी तो थैली है दुनिया में। अच्छा ले लो,
लेकिन अपने कमरे में जाकर लिखना, जिन मेहमानों के नाम याद है वो भी भूल जाऊंगी। दिया था मेरी थाली दिलाए बोलू हैप्पी बर्थडे तो मम्मी। मासूमा बेटी, कुछ मेहमानों के नाम हम भी तुम्हें लिखवाते हैं। जी अच्छा दादी। आओ सालगिरह है क्या? आप बहुत शरीर हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी चाहता है आपको इसी तरह देखता रहूं। आप भी तो कोई बात कीजिए ना, ये कान तो आपकी आवाज सुनने को तरस गए हैं। बोले ना, आउच! वो काला कीड़ा था कमबख्त में, बहुत जोर से काटा। देखिए आप भी तो कोई प्यार मेरी बात कीजिए ना। दादी अम्मा, मैं तेर ताट लूं। हाँ बीबी। मुझको गाना बजाना आता नहीं, मुझको गाना बजाना मतलब तो है हाल दिल का सुनाना। ओ जाना ना, आता नहीं मुझको गाना बजाना मतलब तो है हाल दिल का सुनाना। ओ जाना ना, हे आता नहीं मुझको गाना बजाना। तेरी मासूम भोली अदाएं गाने में हम तुझको कैसे बताएं। ये तेरी मासूम भोली अदाएं गाने में हम तुझको कैसे बताएं। ये सादगी मुझको लगती है प्यारी, इस दिल की पढ़ने लगी बेपरदादी। मुश्किल हुआ राज दिल का छुपाना। ओ जाना ना, हे आता नहीं मुझको गाना बजाना। Thank you.
अपन के अंदाज हम कैसे छुड़ाएं, प्यार हम इनको कैसे सिखाएं। बचपन के अंदाज हम कैसे छुड़ाएं, प्यार हम इनको कैसे सिखाएं। वो बात करते नहीं कोई हमसे, कुछ काम लीजिए निगाह करम से। आँखों में है आज दिल का फसाना, ओ जाना ना। आता नहीं मुझको गाना बजाना, मतलब तो है हाल दिल का सुनाना, ओ जाना ना। आता नहीं मुझको गाना बजाना। कौन सा भाई मुझसे तन्हाई में मिलना चाहते, बोलो जवाब। ले चलो इसे। मासूमा कहाँ है? मैं पूछती हूँ मासूमा कहाँ है? मैं पूछती हूँ मेरी मासूमा कहाँ है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो असलम? तुम्हें ये बताने के लिए कि असलम अपना ख्वाब पूरा करने का आदि है। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारी दादी अम्मा ने मेरी मम्मी को अपने घर से जलील करके निकाला था, अब मैं तुम्हारी दादी अम्मा को जलील करूंगा। असलम, सबसे पहले मैं तुम्हारी इज्जत से प्यार बुझाऊंगा, फिर ये मेरे दोनों साथी तुम्हें इस तरह रौंदेंगे कि तुम और तुम्हारी दादी अम्मा दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। असलम, मैं तुम्हें चार से मार दूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, अगर उसका एक बाल भी बिका हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अमजद, वो तुम्हें एक आंख नहीं भाती थी। मुझे मेरी मासूमा चाहिए। हमारा दिल टूट रहा है। मेरी मासूमा कहाँ है? मासूमा, मासूमा। मासूमा, मासूमा बेटी। पानी पिया मुझे। चाहते जेब में एक पाई भी नहीं है जो शराब। बंद करो, तुम्हारा तो हर रोज नशा टूट जाता। जाओ बदरू, चले जाओ यहां से, मैं आज बहुत परेशान। नहीं सेठा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आज तो मुझे आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। जाते हो बदरू या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं जाऊंगा। मैं बड़ी बेगम से आपको सब कुछ बता दूंगा। सारी दुनिया को बता दोगे हम क्या? हमें पता है कि हम क्या? अब हम तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं। कोई बात नहीं सेठ, कोई बात नहीं।
मैं तुम्हें कभी भी इस जमीन सेठ के हाथ में बेचता, लेकिन मुझे उस ठेकेदार ने वरगला दिया था। और जब तुम मर गई तो मैं तुम्हारी बच्ची इस कमीने सेठ के पास लेकर आया था, लेकिन कौन हो तुम और शानो कौन थी? तुम शानो नहीं हो? नहीं, मैं वो लड़की हूँ जिसे सेठ अमजद की माँ ने पाला है। तुम शानो की बेटी हो? कौन शानो? तुम्हारी माँ, बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल थी। इसे मैंने सेठ अमजद के हाथों 10,000 रुपए में बेच दिया था, और वो अंधी लड़की तुम्हें जन्म देकर मर गई। जब मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास लेकर आया तो इसने तुम्हें बेटी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें यहीं छोड़ गया था। और उसके बाद सेठ अमजद की माँ ने तुम्हें पाला। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। तो क्या मैं सेठ अमजद की बेटी हूँ? हाँ, तुम सेठ अमजद ही की बेटी हो। जाओ जाओ, अपना हक मांगो बेटी, जाओ। वो मेरे बाप है। हाँ बेटी, मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ बेटी, नहीं, तुम सेठ अमजद की बेटी हो। देख लूंगा सेठ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? ताकि अंदाजा कर सकूं बदरू झूठा है या आप सच्चे। कौन बदरू? वही बदरू जिसके हाथों फरोख्त होने वाली शानों की बेटी मैं हूँ। वही बदरू जो मेरी माँ की इज्जत के कत्ल में उतना ही हिस्सेदार है जितने के आप। लड़की, गुनाह की पोटली कह के पुकारिए। वही नाम लीजिए जो बचपन से लेते आए हैं। आज मैं भी तो देखूं एक पाप हकीकत सामने के आने के बाद बेटी को गुनाह की पोटली कह के पुकारता है या नहीं। उसका दिल खून के आंसू रोता है या नहीं? मेरा दिल खून के आंसू क्यों रोएगा? इसलिए डैडी के आज आपकी बेटी की इज्जत से भी उसी तरह खेला गया है जैसे कभी आपने अंतिम शानों की इज्जत की तर्जिया उड़ाई। बस सिर्फ इतना है, शानों पर एक सेठ अमजद ने जुल्म किया था और आपकी बेटी से 30 सेठों ने इंतकाम लिया। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरा बाप है। आपके चेहरे पर बिखरे हुए नदामत के पानी ने मुझे बता दिया है डैडी, आप मेरे बाप हैं। आप मेरे बाप हैं डैडी, आप मेरे बाप हैं, आप मेरे बाप हैं। मासूमा, ये तुम्हें क्या हो गया है बेटी? ये तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ दादी जान, एक बेटी अपने बाप के अमालों की सजा पाकर आई है। आप कहा करती थी ना कोई मुझे गुनाह की पोटली ना कहे। हाँ बेटी, तो आज मैं सचमुच गुनाहों की पोटली बन गई हूँ। मासूमा, दादी जान, मैं आपके बेटे का खून हूँ, लेकिन देखिए मेरे डैडी मुझे बेटी नहीं मानते। अमलेट, ये मासूमा क्या कह रही है? ये झूठ है, ये झूठ है, ये पागल हो गई अम्मी जान। पैसे इस घर में नहीं रहने दूंगा, पैसे निकाल दूंगा, पैसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। रुक जाओ अमलेट, रुक जाओ। हमारे जीते जी हमारी बेटी को इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता अम्मी जान। आज मैं इस वजूद से इस घर को पाक कर दूंगा जो बेटी का हक जताकर हमारे मुंह पर कालक बनना चाहता है। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे अपना लीजिए डैडी।
एक बार गले लगाकर बाप का वो प्यार दे दीजिए। इसे पाने के लिए मैं बचपन से तरस रही हूँ। मुझे बेटी कहिए डैडी, मुझे बेटी कहिए। खामोश हो जा, मेरी माँ की जान ली है, कहीं मैं तेरा गला ना खोल दूँ। निकल जा इस घर से, निकल जा। हम यहाँ कोई दादी अम्मा नहीं रही जिस पर तेरी मासूमियत का जादू चल सके। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये मेरी दादी माँ से जुदा ना करो। दादी माँ देखो, तुम्हारे इस दुनिया से उठते ही मासूम बेघर हो गई। तुमने तो इस गुनाह की पोटली को बजाय कुछ जाने बेटी कहकर गले लगाया था, लेकिन आज मेरे डैडी मुझे पहचानते हुए भी ठुकरा दिया है। आज मुझे गले लगाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मुझे बेटी कहिए डैडी, मुझे बेटी कहिए। दादी जान, मेरे डैडी मुझे बेटी नहीं मानते। ये झूठ है, ये पागल हो गई अम्मी जान। आज मैं इस वजूद से इस घर को पाक कर दूंगा जो बेटी का हक जताकर हमारे मुंह पर काला करना चाहता है। जानते हैं कि वो हमारे घर में रहती थी और उसकी इज्जत से खेलने का मतलब यह है कि किसी ने हमारी इज्जत की तरफ उंगली उठाई, हमारी तौहीन की। हमें जल्द अज जल्द मुजरिम चाहिए थानेदार साहब, वरना हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो तो ठीक है सेठ साहब, मुलजमों को ढूंढने के लिए मासूमा का बयान नहाय जरूरी था। उन्हीं के बताए हुए निशानों पर चलकर हम मुलजमों को ढूंढ सकते थे। अफसोस के वो खुद नहीं मिल सकी, उन्हें तलाश करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। मेरी प्यारी आंखें तो खोलो,
तुम आजकल की लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ हो नाजी। शायद तुम नहीं जानती कि मुझे जिस आइडियल की तलाश थी उसकी सारी खूबियां तुम्हें मौजूद हैं। कम बोलना, शर्माना, और इतने बड़े घर की बेटी होकर भी क्लबों और होटलों से दूर रहना, तुम्हारी तारीफ नहीं तो और क्या है। नाजी, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें आज अपनी मम्मी और पापा से जरूर मिलवाऊंगा। चलोगी मेरे साथ? इनकार न करना, तुम्हें इमरान के प्यार की कसम। चलिए चलो ना, प्लीज। कोई बात नहीं बच्चू। क्या सोच रही हो नाजी? कोई बात करो ना, परेशान क्यों हो? तुम्हारे दिल फीटल वाला दुद्दू मिले था? बताओ ना इमरान, तुम्हारे दिल फीटल वाला दुद्दू मिले था? ओ माय बेबी लव, देखते नहीं दो प्यार के मतवाले झूमते जामते चले आ रहे हैं। चल। कौन है? तुम किसकी इजाजत से इसके साथ घूम रही हो? मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमबख्त, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम, और तुझे तो मैं बाद में निपट लूंगा बिलोरे। इससे पहले कि मैं तुम्हारी लाडली बेटी का गला घोट दूं सापरा, इसे किसी ऐसी जगह बंद कर दो जहां इसके रूप में कोई जिल्लत हमारी तरफ ना आ सके, कोई बदनामी हमारे कोरे दामन पर ताव ना लगा सके। खुलकर बात कीजिए, मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम्हारी समझ में उस वक्त आएगा जब ये भी अम्मी जान की मासूमा की तरह अपनी इज्जत गवाकर इस घर और हमारे खानदान के नाम पर बट्टा लगा देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए हमारी मासूम बेटी के लिए ऐसे मनहूस अल्फाज जुबान पर मत लाइए। मासूम बेटी, एक ये मासूम और एक वो मासूम माँ थी जिसने हमारा सुख चैन सब कुछ लूट लिया। इसे ये नाम न दो बेगम, इसे नाजी ही रहे तो। घबराने की जरूरत नहीं, आप महफूज मुकाम पर हैं। खाना तैयार है, अंदर आने की इजाजत हो तो लाऊं। कौन है आप और मैं यहाँ? मेरा नाम वाजिद अली है। रिटायर होने की उम्र तो नहीं, लेकिन जंग में शदीद जख्मी होने के बाइस टांग की तकलीफ की वजह से मुझे रिटायर कर दिया गया। कुछ अर्सा वकालत भी की और अब वो भी छोड़कर अपनी बकिया जिंदगी इसे एक जगह मोहताज बनकर गुजारना नहीं चाहता। यही वजह है कि इस जजीरे में मैं आपको तन्हा दिखाई दे रहा हूँ। खाना लाऊं? आपने मुझसे मेरे मुतालिक नहीं पूछा। जरूरत महसूस नहीं की? नेचुरली या तो आप खुदकुशी का केस हैं या फिर किसी ने आपको मारने की खातिर यह खैर छोड़े। अरे भाई खाना लाओ। ले आइए। मैंने उसे तुम्हारी बेटी समझकर तुम्हारे हवाले किया था सेठ, लेकिन तुमने बड़ी बेगम के मरते ही उसे अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया। इतना बोलो सेठ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं अपनी शानों की बेटी लेने आया हूँ। अगर तुमने शानों की बेटी मुझे न दी तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने एक तो नहीं दो मासूमों का कत्ल किया है। नहीं बस नहीं। सौदे की बात करो सेठ, तुम मुझे उन दो मासूमों का कत्ल छुपाने की कीमत 1,00,000 रुपया दोगे या अपनी बेटी? पहले सिर्फ कत्ल छुपाने का मुआवजा 1,00,000 था, अब इस थप्पड़ की कीमत भी उस सौदे में शामिल कर लो सेठ हमजद। तुमने मुझे सिर्फ शराबी के रूप में देखा है,
बदरू के रूप में नहीं, मैं जा रहा हूं। शाम तक सौदे की रकम तैयार रखना, वरना तुम्हारी बेटी। दूसरों की इज्जत से खेलने वाले बाइज्जत सेठ, आज अपनी इज्जत की बात आई है तो तुम्हारी बेशानी को नदामत का पसीना क्यों चमक उठा है? आज भी कह कहीं लगाओ, आज भी सौदा करो, आज भी अपनी दौलत की दीवार नवाजों के सामने खड़ी कर दो जो मुझ तक आज पहुंची है, और कल कल शहर के हर फर्द के कानों तक पहुंचेगी। क्यों हो जाओ साबरा, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। हम उस जलील को झूठा साबित कर देंगे, हम उसे जेल भिजवा देंगे। अम्मी जान, आज आपके बेटे के गुनाहों की लपेट में आपकी पोती भी आ गई। उससे पहले कि बाप के गुनाह बेटी के सामने आ जाए, मैं हमेशा के लिए उसे उस घर भेज दूंगी जो उसका अपना घर होगा, जहां उसकी तरफ कोई खतरा, कोई इंतकाम न बढ़ सकेगा, कोई इंतकाम न बढ़ सकेगा। मैंने तो मरना चाहा था, लेकिन आपने बचा लिया, और अब जबकि दूसरी जिंदगी मिल गई है तो जी चाहता है कि मैं उसकी तरफ ऐसा इंतकाम बनकर बढ़ूं जो एक आईना इबरत बन जाए उन लुटेरों के लिए जो मासूम जिंदगियां बर्बाद करते हैं और जिनमें मेरा अपना बाप भी शामिल है। लेकिन लेकिन वाजी साहब, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती कि मैं एक औरत हूँ, कमजोर, कमतर, बेसहारा। यही वो बदमाश है थानेदार साहब, जो स्मगलिंग के लिए धमकी देकर मुझसे मेरी लांच लेना चाहता है। इसकी तलाशी लीजिए, सबूत आपको मिल जाएगा। इसके घर की तलाशी ली जाए। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ थानेदार साहब, मैंने तो कभी ख्वाब में भी स्मगलिंग के बारे में नहीं सोचा। ये सेठ मुझसे कोई इंतकाम लेना चाहता है थानेदार साहब। चरस की पेटियां मौजूद है। चरस, गिरफ्तार कर लो इनको। कोई बात नहीं सेठ, तुमने बदरू से धोखा दिया है, तुम्हें बदरू इसकी सजा जरूर देगा। हेलो, आर यू मिसेस अंजू? जी। ओह, ग्लैड टू मीट यू, मैं आने की मम्मी हूँ। जी। ओह, आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझती भाई। मैं इमरान की मम्मी हूँ जो आपकी बेटी को पसंद करता है भाई। हम अपने बेटे की पसंद आपसे लेने आए, बुलाइए ना आप अपनी बेटी को। जी। तुम बैठो ना नुसरतुल्ला, और ये मेरे शोहर, ये मेरे शोहर हैं आदम, नुसरतुल्ला टेक्सटाइल मिल के मालिक। आप तो जानती है ना हमारे मिल का कपड़ा कितना पॉपुलर है, और हम अपने बेटे के नाम एक नई मिल शुरू कर रहे हैं, और वो गुलशारा वाली दो बिल्डिंग है ना, हमने अभी उसके नाम ट्रांसफर की है। बड़ा ही स्वीट बच्चा है हमारा आमी। अरे बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? जी 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 जी, बैठिए बैठिए बैठिए। ओह, अब तो ये सोफे ओल्ड फैशन में चले गए हैं। हमने परसों ही अपने ड्राइंग रूम के लिए न्यू विक्टोरिया डिजाइन के पीस मंगवाए हैं, उन पर बैठकर बहुत ही सुकून मिलता है। भाई बुलवाइए ना अपनी बेटी को। हेलो मिस्टर अमजाद। हेलो मिसेस शैलानी। भाई हद हो गई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। दिस इज योर हाउस रियली? शक की गुंजाइश है क्या? इसे मिलिए, ये है मेरे शोहर नुसरतुल्ला, जो क्लब आने से बहुत घबराते थे। अच्छा। नुसरत, ये है मिस्टर अमजद, मेरे क्लब के दोस्त। अरे बैठो ना, खड़े क्यों हो? सुनाइए कैसे आना हुआ? क्या बताओ अमजद डियर, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया जाए। क्या ख्याल है मिस्टर अमजद? लेकिन ऐसे फैसले तो एकदम नहीं किए जाते मिसेस नुसरत। ओ अमजद, इतने बैकवर्ड मत बनो, बुलाओ ना अपनी बच्ची को। मैं उसके हाथ पर 50,000 का चेक साइनिंग अमाउंट यानी मंगनी का शगन रखना चाहती हूँ। अमजद, क्या तुम्हें हमारी शराफत और वकार पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं मिसेस नुसरत, ऐसी कोई बात नहीं है। बेगम जी, नाजी को बुलाइए। जी बेहतर। सिगरेट बेगम।
शुक्र है आप कुछ बोले तो सही, आप खामोश क्यों रहते हैं? भाई जब ये बोल रही होती हैं तो मुझे बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती है। अच्छी बात, लीजिए वो आ गई। अरे बेटा ये क्या पुराने ख्यालात की लड़कियों की तरह सर झुकाए खड़ी हो, नजरें ऊपर उठाओ। ये लो 50,000, ये सिर्फ तुम्हारे हैं, मम्मी पापा को मत देना, शादी के बाद कोई जमीन मुनीम खरीद लेना। हाँ ओके मिस्टर अमजद, बात पक्की हुई, अब हमें जितनी जल्दी हो सके इस फर्ज से सुबकदोश हो जाना चाहिए। बहन तशरीफ रखी, मुंह मीठा करके जाइएगा। ओ नो मिसेज अमजद, मुंह मीठा करना पुरानी बातें हैं, आज शाम को किसी होटल में डिनर खिलाइए ना। यार क्यों नहीं, डिनर इंटरकॉन में मेरी तरफ। ओके अब चलो ना नुसरत, गुड बाय बेबी। लगी तो नहीं? नहीं। ये लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों उठा लाई हो, ये कोई खिलौना तो नहीं है? ये तो मैं जानती हूँ, ये खिलौना सिर्फ आप जैसे मर्दों की, अगर हम इसे पकड़ेंगे तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। आखिर क्यों, क्या औरत को बंदूक चलाने का कोई हक नहीं? क्या औरत इतनी बेबस है कि वो अपने दिशा के लिए कुछ नहीं कर सके? बताइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, औरत तो फूल की तरह नाजुक है, और इन हाथों में बंदूक। इस बात को छोड़ दीजिए, पहले वादा कीजिए आप मुझे भी सिखाएंगे। क्या है आज ऐसा
पहले किसे मालूम था चाहत क्या है। प्यार की शम्मा यूं ही दिल में जलाए रखना। चांद छुप जाए हमें अब तेरी जरूरत क्या है। आज एहसास हुआ है कि मोहब्बत क्या है। तुमसे पहले किसे मालूम था चाहत क्या है। नहीं, ये शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दूसरा भाई घर पर मौजूद ना हो। तुम अपने फैसले अपने पास रखो नुसरतुल्लाह। मैंने और अमजद ने जो डेट फिक्स की है उससे एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है मम्मी? क्या आप भैया के बगैर ये शादी कर देंगी? आमी, ये जानकर तुम खामोश रहो, वो तुम्हारा सगा भाई नहीं। क्या बात करती हो शैला? मैं ठीक कहती हूँ, इमरान का वही भाई हो सकता है जिसने मेरे वजूद से जन्म लिया हो। तुम्हारा वो बेटा पैदा करने वाली औरत मर चुकी है। अब ना तो उस आवारा का इस जायदाद पर कोई हक है और ना इस घर में रहने वाले किसी इंसान से कोई रिश्ता सिवाय तुम्हारे। गुड, वेरी गुड, तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है मासूमा। कल हम यहाँ से रवाना होकर एक नए सफर का आगाज करें। तुम्हारे कामयाब होने की खुशी में वाजिद तुम्हें शायरों की सलामी देता है। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। चलो मेरे चाचा। चलो चलो मेरे बेटे। बेटी की शादी धूमधाम से न होने का अफसोस है, हमारी एक ही तो बेटी थी। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझती बेटा। में दाखिल होने की इजाजत किसने दी? उस इंसाफ ने सेठ साहब, जो किसी अदालत में नहीं हो सकता, उस फैसले ने जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं, सिर्फ आपका दिल कर सकता है। एक लम्हे के लिए मासूमा का बाप बनकर अपने दिल की धड़कने तो सुने। क्या आपकी जुबान इसे बेटी कहने को नहीं तरसती? लड़के, झूठी शान शौकत के बुत को तोड़ दीजिए सेठ साहब। एतराफ़ गुनाह बहुत बड़ी अजमत है। आज आपके सामने आपकी बेटी खड़ी हुई है। नदामत के खौफ को अपने दिल से निकालकर दर दर की ठोकरें खाती हुई मासूमा को अपने गले लगा लीजिए सेठ साहब।
अगर आपने इस बेकसूर को नहीं अपनाया तो याद रखिए आपको जिंदगी भर चैन नहीं मिलेगा। ये चेक हड्डी की सूरत में उठा लो लड़के और जाकर अपनी सोच से ज्यादा रकम भर लो जो तुमने इस घर में दाखिल होने से पहले अपने जहन में बिठाई थी। दौलत से हर शय खरीदने के आदियात हैं सेठ साहब। अगर बात खरीदने और बेचने की चल ही निकली है तो फिर लगाइए बोली। कितने में बेचते हैं आप मासूमा के बाप को? कितनी रकम चाहिए आपको इसे गले लगाने की? बस अपनी हैसियत और सोच से बढ़कर बताइएगा सेठ साहब। मैं आपको कैश दूंगा। चेक तो अक्सर डिसऑनर हो जाते हैं। चुप हो जाओ गुस्ता, निकल जाओ यहां से वरना मैं तुम्हें ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। आप मासूमा को अपना लीजिए, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। अगर तुम्हें मासूमा से इतनी हमदर्दी है तो जाओ खुद उसे जाकर अपना। मैं भी तो देखूं मेरी कीमत लगाने वाला खुद अपने सीने में कितना बड़ा दिल रखता है। निकल जाओ घर से, चले जाओ। काश आप इंसान होते फिर मैं आपकी रगों में तौड़ते हुए बाप के खून को जोश दे सकता था, लेकिन अफसोस। निकल जाओ, समझू? आओ मासूमा, इस पत्थर से टकराने का कोई फायदा नहीं। याद रखिए सेठ साहब, आप मासूमा को ठुकरा कर बुलंदी की तरफ नहीं बस्ती की तरफ जा रहे हैं। तुम चले जाओ। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? बस करो यार, क्या हो गया तुम्हें? यार देखने दो यार, क्या हो गया? जल्दी देखना, शीशा क्रैक ना हो जाए। अरे नहीं होता यार, क्या हो गया? मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा तुम लोग कहते हो तो यार चलो। पी थी मुझे मंगाते दो। जरा ऊंचा बोलिए ना भाभी जान, आते ही भाई से कानाफूसी शुरू कर दी। भाभी जान आप बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोले भाभी जान। बोलिए ना भाभी, हम आपकी आवाज सुनने के लिए कितने बेचैन हैं। यही बता दें दुल्ला भाई कैसे हैं? मुझे ऐसे लगता है कहीं भाभी गूंगी ना हो। कहीं आपकी आवाज तो खराब नहीं है? अरे नहीं बीबी, बहुत अच्छी आवाज है। वो तंबकत उठोवे के नीचे छुप गया, अभी यहाँ पे भी आएगा। तुम लोग सबको था क्यों फोन दिया है? पैसे तो बोलो ना, बोलो ना। जब हम बोले तो तुम लोग थामो तो हो गए हो। क्या ये क्या मजाक है? किसी तरह से बोलो ना। हम तो ऐसे ही बोलते कि आपको हमारा प्यारा प्यारा बोलना अच्छा नहीं लगता। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपने बेटे की शादी नहीं की, शादी करने से पहले उसे एक बच्ची पालने के लिए सौंप दिया। तो ये ठीक ही तो है, अभी हम बच्ची तो है, दूध तो पीते हैं, पीते थे। तो बोलो, हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी हम जब को टेलीफोन करती हूँ, अगर अपनी सौगात ले जाए। ये आप क्या कह रही हैं मीजान? आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। नाजी की जुबान और सादगी मेरी पसंद है। मैं नाजी के साथ जिंदगी मैंने गुजारनी है, ये जैसी भी है मुझे अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आओ अब्बा जान, आओ बेटा, आ जाओ जी। अब्बा जान ये मासूमा है और तुम इसे शिकार करके लाए। अम्मी नुसरत, एक आवारा बेटे से और क्या तवक्को रख सकते हो? बेटे इसे कितने दिन लगे थे जाल में फंसने के लिए? अम्मी आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मासूमा की तरफ ये जानकर कोई उंगली ना उठाए कि मैं इसे बड़े मान से इस घर में लेकर आया हूँ और अब ये घर की इज्जत बनकर यही रहेगी। वाजिद! आज वाजिद आपके हर फैसले के सामने चट्टान बन जाएगा। अम्मी आज वाजिद भी अपना फैसला सुनाएगा, पहला और आखिरी फैसला कि अब मासूमा इसी घर में रहेगी। आओ मासूमा।
एक लम्हे के लिए मासूमा का बाप बनकर अपने दिल की धड़कने तो सुने, क्या आपकी जुबान इसे बेटी कहने को नहीं तरसती? आज आपके सामने आपकी बेटी खड़ी भी है। नदामत के खौफ को अपने दिल से निकाल कर दर दर की छोटे खाती भी मासूमा को अपने गले लगा ली। जैसे काम निकल जाओ घर से, निकल जाओ यहां से। इस पत्थर से टकराने का कोई फायदा नहीं। उस पत्थर को मैं होम करूंगी, के गुरूर को मैं तोड़ूंगी, मैं तोड़ूंगी। भैया हाँ मुन्ने मुन्ने भाई तुझे बहुत बहुत मुबारक हो यार, तूने चुपके चुपके शादी कर ली और बताया भी नहीं अपने भैया को। भैया बस अम्मी को तो आप जानते ही हैं। I couldn't help it। ये घर है, कोई फुटपाथ नहीं जो तुम लोग मजमे लगाए खड़े हो। इमरान आकर नाश्ता करो। चलें भाई वरना अम्मी अभी कोई नया शोशा छोड़ देंगे। जीते रहोगे। डैडी आज आपको कहीं जाना तो नहीं? क्यों बेटे? वो बात यह डैडी कि मैं मासूमा के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं। चमकीली मेहमान खातून और दुल्हन को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। दुल्हन तो आ गई मालिक, मेहमान की तरफ जाते हैं। सलाम। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो जीती रहो। भैया ये मेरे बहू। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे मुझे एक बात है, ये है बिल्कुल गुड़िया। थैंक यू भैया। ले लो सीट दो, ये तुम्हारे आने का टाइम है। क्यों अभी हमार दादी बापत है, मैं तो थाना बोलन थाना को जूती हूँ। मेरा नाश्ता। फते मालिक मेहमान लड़के अपने कमरे में नहीं है, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। कमरे में नहीं, ये कैसा हो सकता है? डैडी कोई बात नहीं। मेरे मुँह आपके अफसानों का बोझ लिए जा रही हूँ, कहा ये नहीं बताऊंगी। बस इतना जान लीजिए कि मरने से पहले उन लोगों को आईना इब्रत बना के दुनिया को दिखाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी में जहर खोला है। किसी न किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगली ये तुमने क्या फैसला किया? ये क्या हरकत है? ये क्या हरकत है? ओ, ओ, बेवड़ा है कि बेवड़ा सही थी। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं तेरा गला भर दूंगी चुराई। हाँ, तेरा थाना थलाब तल दूंगी मोती। मुझे कहते हैं नाजी फर्ज बाज, मैं नहीं तुझे छेड़ने वाली, मेरी बातें छब छे निलाली, छब छे अनोखे है अंदाज। मुझे कहते हैं नाजी फर्ज बाज, मैं नहीं तुझे छेड़ने वाली, मेरी बातें छब छे निलाली, छब छे अनोखे है अंदाज। मुझे कहते हैं नाजी फर्ज बाज। ए मोटी बिल्ली क्या घूल घूल के देख रही है, तुझे शर्म नहीं आती? थाना भी देती है वो भी थलाब तेला, थाना थलाब तेला, थाना थलाब। थाना भी देती है वो भी
अब चला थाना थला, थाना भी देती है वो भी थला। मिलच मछाला छूप लताले, जितना चाहे मुझ तो छताले। मैं तो नहीं आऊं दीबाज, मुझे कहते हैं, मुझे कहते हैं नाजी फसबाज। आज तो तेला थाना थला, कल से लहूंदी बली भी। मेली छाछ बली तू मोती है, ऐ काछ तू दुबली हो जाए। मैं हलदम दे ही मांगू दुआ, तुझे मौत तिसी दिया जाए। मेली छाछ बली तू मोती है, जितनी है तू जिखमती मोती, उठती है तू दिल ती छोती। मैं धारूंगी तेरे नाज, मुझे कहते हैं, मुझे कहते हैं कहते हैं नाजी फसबाज। ओए होए हम मत हलो, क्या बात है। मेला इत्ताम तल दोना, मेला इत्ताम तल दोना, जे खल मेले नाम तल दोना। नदाने तब तू मल जाए, बस अब आलाम तल दोना। मेला इत्ताम तल दोना। तुम Thank you.
अरे ये अचानक कहां से आ गई देवी? अगर हमारे यहां तक खुल गई तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तुम ऐसे करो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ देखता हूं। चलिए में दो कत्ल जिनमें मुश्तरक दो बातें ये भी हैं कि कत्ल होने वाले दोनों नौजवान गहरे दोस्त थे और उन दोनों की जिस्मों पर जिन उंगलियों के निशान पाए जाते हैं वो किसी औरत के हैं। ये औरत कौन हो सकती है? मासूमा। हाँ, मेरा दिल कहता है कि नसीम और जिदी को मासूमा ही ने कत्ल किया है और वो तुम्हें भी कत्ल कर देगी। जिंदगी चाहते हो तो जाओ, जाकर पुलिस को बता दो नसीम और जिदी को मासूमा ने कत्ल किया। नहीं, अगर मैंने पुलिस को मासूमा के बारे में बताया तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम तीनों ने उसके साथ क्या सलूक किया है। तो फिर यहां से भाग चलो, वरना वो तुम्हें भी कत्ल कर देगी। मैं सच कहता हूं शेख साहब, अगर आप उसे बाप की शफकत से महरूम ना करते तो आज वो उन दरिंदों को कत्ल ना करती जिन्होंने उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। हकीकत को पहचानने की कोशिश कीजिए शेख साहब, आपकी फलतियों ने एक मासूम लड़की से उसकी अकमत छीन कर उसे कातिल बनने पर मजबूर कर दिया। नहीं, अगर आपने अभी अपनी आंखें ना खोली सेठ साहब तो हो सकता है उसका इंतकाम कल रात के दरवाजे तक ध्यान पहुंचे। मैं ऐसा वक्त आने से पहले उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। हम तुम्हें जमानत पर इसलिए लाए हैं बदरू, एक बार फिर तुमसे सौदा करें। याद है तुमने अभी अपने दोस्त की बेटी हमारे पास 10,000 रुपए के बदले बेची थी? आज हम पर फिर वैसा ही बख्तान पड़ा है। चलो 10,000 रुपए और उस शानों की बेटी की जिंदगी खत्म कर दो जो हमारी बेटी होने का भी दावा करती है। चलो ऐसे नहीं, मासूमा की लाश लाओ, 10,000 ले जाओ। घबराओ नहीं बदरू, बेटी का सौदा तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। मुझे ये सौदा मंजूर है, कहाँ है? उसे ढूंढने और ठिकाने लगाने ही की कीमत 10,000 है। साहब जी, साहब जी, पूरा हफ्ता घर बैठे हो, हम तुम पिंड चले हो, आखिर क्यों? कुछ ना पूछो फजलो, मेरा यहां से चले जाना है बेहतर है। मां जी से कहना काम आ जाए। अच्छा जी, thank you.
देख ले हरामजादे कमीने कुत्ते, जब औरत सरापा इंतकाम बनती है तो तब जैसे दरिंदे में बेबस हो जाते हैं। हाथ उठाओ, मैं कहती हूँ हाथ उठाओ। वो हाथ उठा जब तूने एक मासूम लड़की के सर से दुपट्टा खींचने के लिए बढ़ाया। उठा हाथ, वरना बंदूक की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। उठा हाथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने अजियत दे के ना मारो मासूमा। अजियत? जब तक मैं तुझे जान से नहीं मार दूं, मेरे सीने की आग ठंडी नहीं होगी। मासूमा, क्यों? मुझे मत मारो। नहीं नहीं, यहाँ कैसे आ गई बेटी? तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारी हमशक्ल थी, इसे मैंने सेठ हमदर्द के हाथों 10,000 रुपए में बेच दिया था, और वो अंधी लड़की तुम्हें जन्म देकर मर गई। और जब मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास लेकर आया तो इसने तुम्हें बेटी मानने से इनकार कर दिया। तुमने जिस अंदाज में मुझे माँ कहके पुकारा है उससे यूँ लगता है जैसे तुम्हारी माँ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? एक नाम हो तो बताऊ, मेरे तो कई नाम है। बाप मुझे गुनाह की पोटली कहके पुकारता है, खानदान वाले बदनुमा धब्बे का नाम देते हैं, और माशरा मुझे हराम की औलाद कहता है। लड़की? और माँ लड़की कह के पुकारती है। तुम मेरी बेटी है? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, वो गंदगी हूँ जिसने तुम्हारे दामन को दागदार किया। अगर तुम भी मुझे बेटी कह के नहीं पुकार सकती तो अपने ऊपर होने वाले उस जुल्म का निशानी समझ के सीने से लगा लो जिसे तुमने जन्म दिया है, और ये भूल कर तन्हा छोड़ रही कि मैं भी औरत हूँ, मुझे भी कोई बदरू बेच सकता है, मुझे भी कोई सेठ अपनी हवस का निशाना बना सकता है। अपने इस चुप को तोड़ डालो, मुझे बेटी कह के पुकारो माँ, वो माँ बन के मुझे गले लगा लो जिसकी आवाजें अर्श हिला देती हैं, खुदा की खुदाई को झंझोर डालती हैं। बेटी? माँ, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम्हारे बाद दुनिया ने मुझे भी तुम्हारी तरह लूटा है माँ। बाप ने ठोके मार के घर से निकाल दिया, अब दुनिया वालों ने बेसहारा जान के वो जुल्म किए हैं कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी माँ। क्या तुमने सचमुच मासूमा को मार दिया? हाँ, और बड़ी मुश्किल से लाश यहाँ तक लाया हूँ। लाश तो यहाँ की ले आए बदरू, कहीं फेंका दे। अब 10,000 रुपए जो तुमने देने का वादा किया था लाश देख के, वो कैसे लेता? इसे कहते हैं बदरू, एक तीर से दो शिकार। पहले तुम मुझे ब्लैकमेल करते थे, अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। सेठ अमजद, बदरू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यह देखा
मसूमा की लाश। इसलिए जालिम कि तुझसे तेरी ज्यादतियों का हिसाब ले सकूं। मासूमा बेटी, दरवाजा कहाँ है? ये है माँ। कमरे में अंधेरा इसलिए कर दिया है सेठ कि तुम माँ के रखते हो और शानत तुम्हें उस अंधेरे का एहसास दिलाकर मानना चाहती है जिससे फायदा उठाकर तुम उसकी इज्जत से खेले थे। नहीं, नहीं, कमरा भी वही है सेठ, वक्त भी वही, और इस कमरे में ऐसा कोई रास्ता नहीं जहां से तुम भाग सको। ये दीवारें साउंड प्रूफ है, यहां की आवाज बाहर नहीं जा सकती, और ये कमरा तूने खास तौर पर अपने लिए बनवाया है इज्जत के पामाल करने के लिए, और अब यही कमरा तेरी कब्र बनेगा। पाजी साहब, मैं मासूमा बोल रही हूँ। मासूमा तुम कहाँ थी? ये बात तो बस नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके डैडी की घर वाले बंगले पर आ जाए, डैडी की जिंदगी खतरे में है। नहीं जानो, जानो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। आज मौत को सामने देखकर तुझे माफी याद आ गई सेठ? तुम्हारी माफी का ये एहसास उस वक्त कहाँ था जब मेरी बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर निकाल दिया था? बताओ सेठ, अरे ये एहसास उस वक्त कहाँ था? बाजी डैडी को बचा लीजिए। मैंने तुझे गले लगा लिया, शानों ने मुझे मार कर मेरी आंखें खोल दी, अगर शानों मुझे न मारती शायद मैं तुझे कभी बेटी न कहती, और मरने के बाद मेरी रूह तड़प चली थी। शानों देखो, मैंने तुम्हारी बेटी को गले से लगा लिया। शाला मरते क्यों? शाला तुम Thank you.
मुलजिमा मासूमा, इससे पहले कि अदालत को फैसला सुनाए, आप अपने बारे में कुछ कहना चाहती हैं? जज साहब, अपनी सफाई तो वह पेश करती है जिन्हें जिंदा रहने की तमन्ना होती है। मैं तो खुद मौत के उन अंधेरों में खोना चाहती हूँ जहाँ कोई मुझे हराम की अलाह कहने वाला ना होगा, गुना की पोटली कहने वाला ना होगा। जज साहब, गुना की पोटली। जुर्म हर हाल में जुर्म है, और जबकि मुलजिमा मासूमा पर जुर्म साबित हो चुका है, अदालत इसे तीन इंसानों के कत्ल के जुर्म में जेरे दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान की रूह से 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाती है।